नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 2 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लूसेंट जीके के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1973। फर्स्ट क्वेश्चन का ए आंसर सही है 1973। सेकंड क्वेश्चन, कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। सेकंड क्वेश्चन का ए आंसर सही है छत्तीसगढ़। अब आज की जो करंट अफेयर की क्लास है इसे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 29 नवंबर 2021 को हुई राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति यानी SLSSC की बैठक में किस राज्य के लिए 1816 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। बी क्वेश्चन, मतलब बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ छूट ना जाए इसलिए इसको यहाँ पे कवर किया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट है राजस्थान, राजस्थान से संबंधित जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, मतलब इंपॉर्टेंट भी है और बेसिक भी है, उनको हम इस डिस्कशन में कवर करेंगे। पहले बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सरकार ने महतारी दुलार योजना इसको स्टार्ट किया। तमिलनाडु, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये तमिलनाडु में बनेगा। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की सरकार ने जेल पर्यटन इसको स्टार्ट किया। अब बात हुई है राजस्थान की, तो राजस्थान का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, चिरंजीवी योजना ये राजस्थान में स्टार्ट की गई। इंदिरा रसोई योजना इसको भी राजस्थान में स्टार्ट किया गया। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड सेंचुरी ये राजस्थान में है। राजस्थान की सरकार टाइगर कॉरिडोर डेवलप करेगी। जनजातीय उत्थान योजना ये राजस्थान की सरकार ने स्टार्ट की। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना इसको भी स्टार्ट किया गया राजस्थान में। निर्यातक बनो मिशन ये राजस्थान की सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। घर घर औषधि योजना भी स्टार्ट की गई। और राजस्थान का जो उदयपुर है यहाँ पर बोल्ड प्रोजेक्ट इसको स्टार्ट किया गया। राजस्थान में भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया। राजस्थान की सोजत मेहंदी को सरकार से GI टैग मिला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 2 अक्टूबर 2021 को प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान की शुरुआत की है। तो ये 11 पॉइंट आप राजस्थान से संबंधित याद रखेगा। अब लोकेशन देखिए आप राजस्थान की, यह है राजस्थान की लोकेशन। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन राज्यों के साथ राजस्थान की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है और पाकिस्तान के साथ भी राजस्थान इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। अब राजस्थान की बेसिक इंफॉर्मेशन कवर करते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? जयपुर, और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 30 मार्च 1949 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, कलराज मिश्रा राज्यपाल हैं। जोधपुर में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अकिल कुरैशी। 33 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल चप्पर सेंचुरी और बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेक देखें, पुष्कर लेक, सांभर लेक, नक्की लेक और मानसागर लेक, ये चारों लेक राजस्थान में हैं। बिलासपुर डैम जो बानस रिवर के किनारे हैं, माही बजाज सागर डैम ये माही रिवर के किनारे हैं, राणा प्रताप सागर डैम चंबल रिवर के किनारे हैं, जवाई डैम ये जवाई रिवर के किनारे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1 दिसंबर 2021 को राज्य भर के समाचार पत्रों के फेरी वालों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ समझने लायक है नहीं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसको हम कवर कर लेते हैं। केरल से स्टार्ट करते हैं। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया। असम की सरकार ने मोहित्री योजना इसको स्टार्ट किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया। अब बात हुई है उड़ीसा की, तो यह है उड़ीसा का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उड़ीसा 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी करेगा। अक्टूबर 2021 में उड़ीसा ने राज्य में 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत
स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की शुरुआत की। ओडिशा सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की है। ओडिशा का और करंट अफेयर कवर करते हैं। ओडिशा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड ओडिशा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज अकेडमी ओडिशा राज्य में बनाई जाएगी। ओडिशा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। ओडिशा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। ओडिशा की सरकार ने आशीर्वाद योजना को स्टार्ट किया। मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य ओडिशा बन गया है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का संबंध ओडिशा से है। 29 जुलाई 2021 को ओडिशा ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की। ओडिशा ने अपनी स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की। ओडिशा राज्य में नुआखाई राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव 11 सितंबर 2021 को मनाया गया। अब ओडिशा की जो लोकेशन है ये आप देख लीजिए, यह है ओडिशा की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, चार राज्यों के साथ इसकी जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। भुवनेश्वर कैपिटल है, 1 अप्रैल 1936 में फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल राज्यपाल हैं। कटक में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। चिल्का लेक ये उड़ीसा में है। हीरामकुंड डैम महानदी रिवर के किनारे है। मंदिर डैम शंख रिवर के किनारे है। नेशनल पार्क की बात करें, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीरमाता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। राउरकेला जिसको स्टील सिटी ऑफ ओडिशा भी कहा जाता है। ओडिशा के स्टेट एनिमल की बात करें, सांबर डियर, और स्टेट बर्ड की बात करें, इंडियन रोलर। तो ये थी ओडिशा की बेसिक इन्फॉर्मेशन। प्रसिद्ध तेलुगु गीतकार सिरी वे नेला सीताराम शास्त्री का नवंबर 2021 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2019। थर्ड क्वेश्चन का सी आंसर सही है, 2019। डैम सेंड्रा प्रोनेला मेसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तो ये बन गई हैं बारबाडोस की, सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बारबाडोस। पहले बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। फ्रांस की जो कैपिटल है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। पेरिस कैपिटल है। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें, यूरो करेंसी है। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, और इसकी करेंसी की बात करें तो नॉर्वे क्रोन, ये करेंसी है। फिनलैंड की जो कैपिटल है यह है हेलसिंकी। हेलसिंकी कैपिटल है और इसकी जो करेंसी है यह है यूरो। और फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। अब बात हुई है बारबाडोस की। लोकेशन देखिए, कैरिबियन सी में है बारबाडोस। ये देखिए आप, ये इसकी कैपिटल है ब्रिज टाउन। ये कैपिटल है ब्रिज टाउन, और इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो बारबाडोस डॉलर। डॉलर जो है ये इसकी करेंसी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 दिसंबर। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 26 नवंबर। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे ये मनाया जाता है। 27 नवंबर को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे ये मनाया जाता है। 28 नवंबर को रेड प्लैनेट डे ये मनाया जाता है। कब? 28 नवंबर को। एड्स दिवस के अगर हम थीम की बात करें 2021 की, तो इसकी थीम आप याद रखें, इसकी थीम है एंड इनइक्विटीज एंड एड्स एंड पैंडमिक। और यहाँ पे जो एंड है ये वाला है, यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा, एंड इनइक्विटीज एंड एड्स और एंड पैंडमिक, ये इसकी थीम है 2021 की। इसको फर्स्ट टाइम इस दिवस को 1988 में ऑब्जर्व किया गया था, मतलब इसको मनाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीमा सुरक्षा बल ने 1 दिसंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया 57वां, ये आप याद रखेगा। 57वां स्थापना दिवस मनाया गया 1 दिसंबर 2021 को। यहाँ पे इंपोर्टेंट है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट यानी फॉर्मेशन कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 दिसंबर 1965 में। 1 दिसंबर 1965 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसके अगर हम गवर्निंग बॉडी की बात करें तो होम मिनिस्ट्री के अंदर ये बॉडी काम करती है। और इसके जो रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं ये कौन है? अमित शाह जी। डायरेक्टर जनरल की बात करें
तो इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं पंकज कुमार सिंह, ये भी आप याद रखेगा, पंकज कुमार सिंह डायरेक्टर जनरल हैं। मोटो की बात करें, इसका मोटो क्या है, मोटो भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ड्यूटी अनटू डेथ, ड्यूटी अनटू डेथ ये इसका मोटो है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नवंबर 2021 में दक्षिण नौसेना कमान कोची ने 29वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा M.A. हम्पीहोली। बात करें अगर हम दूसरे ऑप्शन की, नाओमी कवासे, इनको भी हाल ही में यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। विवेक जोहरी का सीबीआईसी का पूरा नाम क्या है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी नाम भी पूछा जाता है, तो सीबीआईसी का जो पूरा नाम है यह है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसका चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। अमित खरे, इनको प्रधानमंत्री मोदी जी का सलाहकार यानी एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम का कौन सा संस्करण आभासी तौर नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था, तो आंसर हो जाएगा ए, ये इसका पहला ऑप्शन था। 9th क्वेश्चन, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित होगा, तो ये कहाँ पर होगा, ये होगा गोवा में। 9th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, गोवा। जेफी जॉनसन का नवंबर 2021 में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष में थिएटर में उत्कृष्टता के लिए टोनी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो 2003। 10th क्वेश्चन का ये सही आंसर है, ये हमारे कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 28 नवंबर 2021 को माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम 2021 की शुरुआत की, आसाम सही आंसर है। किस देश ने संचार उपग्रह जोंगजिंग वनडी को लॉन्च किया, चाइना सही आंसर है। किस राज्य की प्रसिद्ध पर्वतरोही हर्षवंती बिष्ट ने भारतीय पर्वतरोही फाउंडेशन IMF की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने का गौरव प्राप्त किया, उत्तराखंड सही आंसर है। नवंबर 2021 में जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1020 सही आंसर है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, विवेक जौहरी सही आंसर है। मेरियम वेबस्टर ने किस शब्द को अपना 2021 वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो वैक्सीन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पर्यटन स्थल अहरवल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार अहरवल महोत्सव आयोजित किया गया, नवंबर 2021 में किस राज्य के पुलिस ने अपने नागरिकों के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया, नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया, नवंबर 2021 में किसे यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया, मैग्डलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, दिसंबर 2021 में 21वां भारत रूस वार्षिक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं, थैंक यू।